एक इंसान का जाहिर होता है और एक इंसान का बातिन होता है। अगर इंसान का जाहिर अच्छा होगा तो उसका बातिन यकीनन अच्छा होगा। अगर उसका जाहिर बिगड़ा हुआ होगा तो बातिन भी यकीनन बिगड़ा हुआ होगा, क्योंकि जाहिर का असर बातिन के ऊपर जरूर पड़ता है। अगर जाहिर अच्छा है तो बातिन के अंदर उसके असरात जरूर आएंगे। जैसे नमाज अदा करने से पहले हम वुजू करते हैं, वुजू नमाज का जाहिर है, तो वुजू का असर पूरे बदन के ऊपर पड़ता है कि जब इंसान मुकम्मल वुजू करता है तो अपने दिल के अंदर राहत, चैन, सुकून, इम्तिनान और जो है एक तरह का सुकून पाता है। ऐसे ही इंसान जब अपने जाहिर को सवार लेता है, अपने सर से लेकर पैर तक के जिस्म को अल्लाह के अहकाम से और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से सवार लेता है, तो इसका असर इंसान के दिल के ऊपर पड़ेगा। इंसान का दिल मुनव्वर होगा तो फिर उसको आमाल करने का शौक, आमाल करने में रगबत, आमाल करने के अंदर मजा और आमाल करने के अंदर चुस्ती और आमाल करने के अंदर फुर्ती पैदा होगी। अगर बातिन बिगड़ा हुआ है तो आमाल में सुस्ती, आमाल में कमजोरी, आमाल में बेफिक्री, आमाल में गफलत, आमाल में बेख्याली और आमाल में ख्यालात, किस्म किस्म की बातें जो है बातिन के बिगड़ने की वजह से जो है पैदा होते हैं। इसलिए फरमाया कि इंसान के जाहिर का असर इंसान के बातिन के ऊपर पड़ता है। इसलिए अपने जाहिर को भी संवारने की कोशिश करें और आमालों के जरिए से अपने बातिन को भी संवारें। अल्लाह ताला शान हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब।